हेलो स्टूडेंट्स, तो आप मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अपनी एग्जाम के प्रति आप खूब अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे अपने नोट्स को। और आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, आ गए हैं। ठीक है, आपका मात्र आप 2 से 3 दिन बच रहे हैं। और ये जो आपका एग्जाम जो चालू होने वाला, आप इंटरमीडिएट एग्जाम क्लास 12 जो साइंस हो, साइंस का फिलहाल बायोलॉजी पहला दिन है। ठीक है, साइंस का जो बायोलॉजी है वो 1 तारीख से आपका चालू है, फिलहाल आपका फर्स्ट शिफ्टिंग में। ठीक है, तो फिलहाल आज हम आप लोगों को बताएंगे क्या कि क्या चीज किस तरीका से शुरुआती दिन जाना आपको बायोलॉजी स्टूडेंट को फिलहाल। ठीक है, और जो हमारे साइंस वाले स्टूडेंट मैथ वाले भी है वो बात को भी सुन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इससे हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, और अपने नोट्स जो आपके जो टीचर पढ़ाए उस नोट्स का रिविजन कर रहे होंगे और फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो वो लोग आप लोग पहला पॉइंट से हम ये बताने आ रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो टोटल जो सेट आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं, ए से लेके जे तक आ रहे हैं। फिलहाल आपका सेट के कौन सा सेट मिलता है वहाँ पे आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि फिलहाल कौन सा सेट आ पाता है आपका। तो बाबू लोग आपको कोई भी सेट आता है ना, तो पहले नंबर आपका 2 तरीका को कॉपी मिलता है। फिलहाल ये आपका जो OMR सेट आता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए आता है फिलहाल, और सब्जेक्ट के लिए आपका कॉपी आता है। ठीक है, नोट्सबुक, वो बुक पे लिखना पड़ता है, वो जो नोटबुक होता है उस पे लिखना पड़ेगा आपका। फिलहाल आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपका जो OMR सेट है, OMR सेट में फिलहाल किसी भी तरह की गलती नहीं करना रहता है, क्योंकि आप गलती करेगा तो OMR सेट आपका मशीनों के द्वारा चेक होता है, उसमें किसी मनुष्य के हाथ नहीं होती है, उसमें कंप्यूटर के हाथ होती है। अगर कंप्यूटर एक्सेप्ट कर पाएगा तो आपका रिजल्ट अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव जांच हो पाएगा। फिलहाल ये तरीका से होती है, फिलहाल उसमें व्हाइटनर और किसी तरीके उस तरीके गलती नहीं करना। और मेन बात है कि फर्स्ट नंबर सेट को ध्यान में रख कर रंगना, सेट को, सेट ए है कि बी है सी। अब देखिए पता क्यों, क्योंकि सेट मालूम रहेगा तभी आपका क्वेश्चन से मैच कर पाएगा और कौन सा सेट है आपका, उससे आपको कॉपी चेक हो पाता है। अगर सेट नहीं रंग पाओगे वहां पे, सेट छूट गया तो आपका रिजल्ट छूट गया, मानिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। फिलहाल दूसरी बात है क्या कि आपका जो दूसरा बात क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं देनी है, बस आपका 35 से 40 मिनट ही टाइम देना आपका ऑब्जेक्टिव में, 40 मिनट ज्यादा ज्यादा देना, 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट टाइम देते हैं। फिलहाल बायोलॉजी हल्का होती है आपका, क्योंकि आप एक बार पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन को पहले टिक आउट करिए, अगर मानिए कि 35 से 35 लग जाए सिंपल तरीका से, अगर 35 ना लगे कम से कम 30 लग जाए, 25 लग जाए, वो एक बार में कम से कम आपका हल्का हल्का क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी सॉल्यूशन नहीं करने वाला होता है उसमें, उससे माइंड में याद रहती है, उसका डायरेक्ट आंसर टिक आउट करना रहता है थोड़ा सा दिमाग लगा करके। फिलहाल तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप जो पढ़ के जाइएगा आपका वही आपका मैच करेगा बोर्ड एग्जाम में फिलहाल। हाँ, ज्यादातर क्योंकि 70 में तो 25 30 35 जो भी है वो तो मैच करना ही, फिलहाल मैच करेगा ही फिलहाल, ये इतना कॉन्फिडेंस है। बट आप पढ़ रहे होंगे तब नहीं, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। वही बात है कि जो स्टूडेंट हमारा, मेरे पहलवान, मेरे मित्रों, जो पढ़ के जाएगा उसका नोट से, उसका बोर्ड से क्या में क्वेश्चन भी आएगा और वो हमारे भरपूर मात्रा में रिजल्ट नंबर भी ला पाएगा बायोलॉजी में, तो इस हमारे कॉन्फिडेंस। ठीक है, और आप लोग कॉन्फिडेंस अपने आप पे करना बहुत जरूरी है, गर्व कर लो। ठीक है, कि आप रिविजन करके जाना है आपका, और जब रिवीजन करके जाएगा तब आपका रिजल्ट बेहतर आएगा बायोलॉजी। दूसरा बात, दूसरा पॉइंट जो आपका जो बात डिपेंड करता है आपका बायोलॉजी का जो मार्क्स होता है, वो जो मार्क्स जो डिपेंड करता है आपका, वो लोग राइटिंग पर, हैंड राइटिंग किस तरीके से। देखिए हैंड राइटिंग अगर नॉर्मल भी बट साफ साफ नजर आ रही, दिखाई दे रहा है उस जांचने वाला कॉपी को, तो आपका रिजल्ट बेहतर मिल जाएगा। दूसरा बात है कि आपको मानिए याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद, तो उससे रिलेटेड वर्ड को लिखने का प्रयास करें, शब्द को लिख कर, उतना शब्द का जितना भी शब्द है। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है, तो 2 मार्क्स का आपका 10 क्वेश्चन बनाना रहता है, अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आपका 20 मार्क्स होता है टोटल, दो दो मार्क्स का होता है, 10 दूना 20 क्वेश्चन। तो सर 20 मार्क्स के लिए आपको 40 मिनट टाइम लगेगा, हाँ अप्रोक्स से ज्यादा ही टाइम मान रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो मानिए 10 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट टाइम दे रहे हैं और 40 मिनट हम ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम दे रहे हैं फिलहाल, तो ये आपका 80 मिनट हो गया इधर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब फिलहाल आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये 3 रहेगा जो 6 रहेगा क्वेश्चन, 6 प्रश्न में से आपका 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। और हम बताइए कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो 3 बनाना है, हम एक एक क्वेश्चन पर 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, तो बताइए 3 पर कितना, 30 मिनट, 30 मिनट इधर आ गया और 80 मिनट होने, तो समझिए कितना हो गया फिलहाल आपका 210, मैंने कहने का मतलब क्या, 210 कह रहे हैं फिलहाल, 80 और फिर आपका कितना 30 मिनट, तो 80 और 30 कितना हो गया, 110 मिनट हो गया फिलहाल, मैंने 2 घंटा अप्रोक्स हो गया आपका टाइम।
तो 2 घंटा आपका आपका कॉपी पे, यानी 2 घंटा में आपका बायोलॉजी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, एकदम अच्छा तरीका से बन जाएगा। फिलहाल आपका डायग्राम भी आता है बायोलॉजी में, तो डायग्राम के लिए आपका पेंसिल ले जाना, पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करना है फिलहाल उसी का ही। और आपका अगर 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक होता है डायग्राम के साथ तो उसका थ्योरी भी लिखना रहता है, तो थ्योरी के लिए आपका 2 मार्क्स मिलता है और डायग्राम के लिए 3 मार्क्स मिलता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और फिलहाल एक बात और है कि आप लोग रिवीजन करके जाइए, ठीक है। और फिलहाल वहाँ पे एग्जाम सेंटर के थोड़ा सा समय से पहले थोड़ा पहुंचे, मानिए आपका मानिए 9:30 में एग्जाम है, तो फिलहाल ज्यादा भी पहले नहीं, हाँ एक एग्जाम लग जाएगा आपका सेंटर एग्जाम पे पहुंचने में, तो फिलहाल 9 बजे पहुंचने को प्रयास करें। अगर जाम लग गया तो उसका 15 मिनट रास्ता चलने में भी लग जाता है, बाबुल ऐसा कुछ हो जाए। और इसके साथ क्या क्या ले जाना डॉक्यूमेंट, तो आपका एडमिट कार्ड आपका कॉलेज से मिला वो, और दूसरा बात है क्या कि उसके साथ आधार कार्ड ले जाना। अगर बाबुल ज्यादा अगर दिक्कत है आपका एडमिट कार्ड में, तो फिर आपका जो प्रैक्टिकल वाला एडमिट कार्ड या पंजीयन वो भी ले जा सकते हैं साथ में, लेकिन ज्यादा फिलहाल कुछ उतना टफ नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है। और उसे किसी भी तरह के चिट्टा पुर्जा मत ले जाए, ताकि आपका टेंशन फिर देखिए चिट्टा पुर्जा लगे तो आपके माइंड पे टेंशन रहेगा कि हम चिट्टे रखे हुए, आपका डर सताएगा, और डर सताने की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत होगा लिखने में और ये भरने में। अब आपको हादसा शुरुआत ही ऐसा कुछ नहीं ले जाना है, कहीं शुरू दिन चोरी करें, बस वहां पे जाने के बाद वैसा माहौल बन जाता है, वैसा लगता है, तो आप कर सकते हैं फिलहाल दूसरे दिन से, बट पहला दिन से एकदम टेंशन मुक्त रहना। और फिलहाल ये है कि अगर कुछ आप नहीं जानते हैं भरने के लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिलहाल आपके पास टीचर आएंगे और टीचर आपको कॉपी देखेगा, OMR शीट को देखेगा, बच्चे क्या क्या भरा है नहीं भरा है, और वो खुद बताएगा क्या क्या आपको ये भरना है, ठीक है। आपके नहीं भी पूछेगा तब भी उसको लगता है कि छुप नहीं जाए, तो उतना टाइम पास नहीं करना, डरना नहीं है, फिलहाल शुरू दिन डट कर रहना, मैंने सावा शेर बन कर रहना, नहीं आप जानते हैं शिक्षा वह सरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा बाबू, ठीक है। तो आप पढ़ के जा रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जब पढ़ के जा रहे हैं, रिवीजन करके जा रहे हैं, तो डरने की क्या बात है, एकदम जिगरा होनी चाहिए एकदम, ठीक है। और जब जिगरा है ना तो समझिए उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर है ना। तो ये एक गाना है कि एक गाना क्या बहुत अच्छा गाना कि एक के गो दिल बा सीना के भीतरिया, एक के गो दिल बा सीना के भीतरिया, यही दिल लगल बा बायोलॉजिया से। तो बाबू अगर बायोलॉजी से दिल लग चुका है बायोलॉजी स्टूडेंट का, तो समझिए डरने की कोई बात नहीं, जब दिल लग गया ना तो जी जान देने के लिए प्राण एकदम गवा दे अपने बायोलॉजी पीछे, ठीक है। तो बोलो तो आपका एनालिसिस करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चन का फिलहाल, जो आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन फिलहाल, और उस पे हो सकता है सेंटर एग्जाम पर भी हम बायोलॉजी के एग्जाम रोज हम पहुंचे, ठीक है, किसी का मिल जाए जिसका पहुंच जाए नजदीकी वाला क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता है हेल्प करने के लिए तो हम हेल्प करेंगे उस दिन, ठीक है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा है तो हेल्प कर सकते हैं फिलहाल ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बायोलॉजी का टफ नहीं है, बायोलॉजी का प्रिविजन करके जाए। फिलहाल 16 चैप्टर है बायोलॉजी में, तो 16 चैप्टर में आप फिलहाल 8 से 10 लेसन, मैक्सिमम 10 लेसन भी आप पढ़ लिए ना ढंग से, तो 10 लेसन के रिविजन करके जाए फिलहाल, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 10 से 12 लेसन जो भी पढ़ लिए आप, वो 10 से 12 लेसन पे इतना बढ़िया से पढ़ के जाइए कि एकदम मैच करता है उस शिक्षक से, ठीक है। और फिलहाल 70 में से 35 मार्क के आइए आप तो। तो फिलहाल हमारा एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था 900 वाला, वो फिलहाल आप नहीं पढ़े तो हमारे टेलीग्राम पर भी अपलोड है, उसको एक बार निकलवा के एक बार पढ़ के जाए, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव का फिलहाल मैच न कर जाओ वहां से। फिलहाल इतना गारंटी लगता है कि 70 में 35 मैच कर सकता है, तो फिलहाल पढ़िए, ठीक है, रिविजन करिए और थोड़ा रिविजन करके जाइए। तो नहीं कहता है यदि क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 में अगर टॉप करना है बाबू, तो जब मैं गांधी हो चाहे ना हो, मेरे दल में आंधी होनी चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो वही बात है कि क्लास 12 बायोलॉजी में का टॉपर स्टूडेंट बनना, तो वालों दिल में पॉकेट में गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन बट दल में आंधी होनी चाहिए कि बायोलॉजी में रिजल्ट लाना टॉप। और हमारे जितने स्टूडेंट देख रहे बड़े हुए, अगर वो सारे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अगर 90+ बायोलॉजी में करता, तो उस बच्चे का हम 2,000 रुपया देंगे फिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद और जय हिंद जय भारत, पानी पिया के बायोलॉजी के आना, ठीक है।